आप सभी को राधे राधे। आज है हमारा करंट अफेयर का सेशन जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। 27 फरवरी आज है। सो आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। इस क्लास का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हाल ही में ब्रैंड फाइनेंस के द्वारा एक ब्रैंड गार्जियनशिप 2024 का एक इंडेक्स है वो पब्लिश किया गया है। तो इस लिस्ट में टॉप कौन है? तो इस लिस्ट के अंदर एक्चुअली जो टॉप है उनका नाम है क्या, उनका नाम है हांग तौ मा। एक्चुअली है क्या सर ये लिस्ट का मतलब क्या होता है? इस लिस्ट का मतलब है कि किस पर्सन ने ब्रांड बनाया है, मतलब ब्रांड बनाने में जो सबसे टॉप कौन है। जैसे आप समझ सकते हो, इनके फोटो से आप देख सकते होंगे, मुकेश अंबानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर, जो इंडिया से है, और जो हवांग तो मा है ये कहाँ से, चाइना से है। हालांकि नाम आप समझ सकते हो चाइनीज है तो थोड़े से टेढ़े मेढ़े लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये ब्रैंड फाइनेंस जो है ना, इसने ये लिस्ट जारी की है। तो ये ब्रैंड फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रैंड फाइनेंस का हेडक्वार्टर पड़ता है लंदन के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मतलब तो यही है कि कौन, मतलब बेस्ट ब्रांडिंग बनाता है, ब्रांड बनाने में सबसे बेस्ट कौन है। इस लिस्ट में अगर देखा जाए ना तो भारत के भी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब भारतीय मूल के देखने को मिलेंगे। एक इसमें टीम कुक आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पोजीशन पे आते हैं टीम कुक। सेकंड पोजीशन पे मुकेश अंबानी है, ये याद कर सकते हो आप लोग। अच्छा, इसके अलावा आप इसके अंदर जो है ना, एक जेनसन हुआंग है, ये भी अमेरिका के हैं, नेविदा कंपनी से संबंधित है। के अलावा इसमें सुंदर पिचाई भी कहीं दिख रहे हैं मेरे को, ये रे सुंदर पिचाई गूगल के हैं, हालांकि भारतीय मूल के हैं ये, ठीक है। और पांचवें नंबर पे नटराजन चंद्रशेखर टाटा सन्स पांचवें नंबर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनिश शाह भी है इसमें, छठे नंबर पे है महिंद्रा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर है। तो मतलब इन्होंने भी ब्रांड बनाने में काफ़ी हेल्प की है, कह सकते हो कि भारतीय ब्रांड बनाने के मामले में अब इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब बहुत अच्छी रैंकिंग चल रही है कह सकते हो आप। अभी निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक पार्टी है तमिलगा वट्टे कसगम को लॉन्च किया है? जब भी तमिल भाषा में जेड और एच ए वर्ड एक साथ आते हैं ना तो इसको ले साउंड किया करते हैं एक्चुअली। तो तमिल का वेटी कजलम जो है ना, इसको अभी रिसेंट लॉन्च किया है किसने, एक साउथ एक्टर है जिनका नाम है विजय। हालांकि साउथ एक्टर हैं, उन्होंने लॉन्च की हुई है कई सारी पार्टियाँ। इनका पूरा नाम विजय जोसफ है, राजनीतिक पार्टी है तमिल का वेटी कजगम। और इन्होंने वैसे कहा है कि हम 2024 का जो अभी लोकसभा इलेक्शन होगा ना, इसके अंदर तो नहीं हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली है, 2026 का जो तमिलनाडु के विधानसभा इलेक्शन होंगे ना उसमें ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला और सबसे बड़ा तांबे से बना बापू टावर किस शहर में बनके तैयार हुआ है? तो बापू टावर बनके तैयार हुआ है अभी हाल ही में पटना के अंदर। पहली तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बापू टावर जो है ना, ये तांबे का बना है। ये 42,000 किलो जो है इसके अंदर तांबे लगा, मतलब तांबे को आप CU कह दो कॉपर साइंस के लैंग्वेज में इसकी। अच्छा, आप कहो सर पूरा कंप्लीट तांबे से बिल्डिंग बन गई है? देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट तांबे से बनाई जाए, तांबे के इसके ऊपर कोटिंग की हुई है। आप कहोगे सर तांबे कोटिंग क्यों कर दी? देखो इससे अच्छा लगता है, थोड़ा सा सुंदर लगता है जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है ना इसके ऊपर, तो वो आपने रेनबो देखा होगा ना, तो रेनबो इसमें बहुत अच्छा बनता है कॉपर के अंदर, इस करके इसको मतलब इंद्रधनुष जैसा दिखने में होता है ये, इसी करके। ये कितने 6 मंजिला टावर है ये, और बापू टावर है ये पटना के अंदर, बिहार पटना के अंदर। अच्छा, वैसे मैं कॉपर से रिलेटेड अगर आपको बात बताऊं, थोड़े से फैक्ट्स बताऊं, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना वो कहाँ पे है? कॉपर के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सबसे ज़्यादा जो है ना मुंद्रा के अंदर है। मुंद्रा कहाँ पे है? मुंद्रा आपको पता होना चाहिए, ये गुजरात के अंदर है मुंद्रा। अच्छा, इसके अलावा ये कॉपर मैन्युफैक्चर करती कौन सी कंपनी है इंडिया के अंदर? तो इंडिया के अंदर करती है कच्छ कॉपर लिमिटेड है ना, ये इसका कॉपर का निर्माण करती है। और सालाना लगभग दस लाख साल की इसकी कैपेसिटी है, 10 लाख टन है एक साल की लगभग कैपेसिटी है इसकी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी कच्छ वाली जो है ना, कच्छ कॉपर लिमिटेड कंपनी है किसकी, ये कंपनी है अडानी ग्रुप की कंपनी है ये। तो अडानी ग्रुप की कंपनी है कच्छ कॉपर लिमिटेड, जो कि मुंद्रा गुजरात के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये, सालाना लगभग 10 लाख जो है ना टन हर साल इसकी कैपेसिटी है।
अच्छा वैसे ना एक कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, वो कॉपर बना रही है, उस कंपनी का नाम आपको बताता हूँ क्या है। उस कंपनी का नाम है हिंडाल्को, हिंडाल्को कंपनी है, ये गुजरात के अंदर भरूच में है, ये कॉपर बना रही है। ये लगभग सालाना 5 लाख टन है, हर साल बना रही है। अब सर आप कहोगे कि कॉपर मैन्युफैक्चर भी यही हो गया और ये भी बना रही है, इसमें क्या है सर? तो ये दूसरे नंबर पे आ गई ना आपके, कॉपर ज़्यादा बना रही है, हिंडाल्को कंपनी बना रही है, और पहले नंबर पे 10, 10 के बाद में 5 आता है आपका। अच्छा सबसे ज़्यादा तांबा दुनिया में कहाँ पे है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबा जो है ना वो देशों की बात करता हूँ मैं, चिली के अंदर है, चिली के अलावा पेरू में भी है, ठीक है ना। इन दो देशों में लगभग मैं कह सकता हूँ इन दो देशों के अंदर ही ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का 40% तांबा है यहाँ पे। हाँ सही सुन रहे हो आप लोग, दुनिया लिथियम के भंडार भी यहीं पर ही है। इवन लिथियम तो अर्जेंटीना हो रहा है, लिथियम ट्रिनिटी कहते हैं उसको तो, पर उसमें एक ना आपको चिली और पेरू दो देश है। वेरी पेरू में मेचू पेचू भी है, आपने कई बार पेपरों में आते देखा भी होगा, है ना। अच्छा गांधी जी से रिलेटेड एक किताब है जो थोड़े समय पहले अभी ना पब्लिश हुई थी, जो मुझे जहाँ तक याद है एक पेपर में पूछी गई थी, ये गांधी अ लाइफ, गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपेन्स। गांधी जी के तीन आपको पता है ना बहुत बड़े आंदोलन थे, एक तो नमक सत्याग्रह बहुत फेमस था ये, एक था असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन था, और एक क्विट इंडिया मूवमेंट था आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट, बाहर छोड़ो आंदोलन। तीनों बहुत फेमस आंदोलन रहे गांधी जी के, इन्हीं तीनों आंदोलन के ऊपर किताब लिखी है एम जे अकबर ने, ठीक है ना। किसने लिखी है? एम जे अकबर, एम जे अकबर के द्वारा किताब लिखी गई है। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पेपर में पूछी जा सकती है, इवन ये एक पेपर में पूछी भी गई थी मुझसे। एक बच्चे ने एक सवाल किया था, एक क्लास में ही पढ़ा रहा था मैं लाइव करंट अफेयर, तब उसने मुझसे एक सवाल किया था, सर एक किताब आई थी पेपर में अ लाइफ इन थ्री कैंपेन, ये किताब के राइटर पूछे थे। अक्सर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो गांधी जी इस किताब के एम जे अकबर जो है ना वो राइटर, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है। खैर चलो थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में आदि योगी शिव की मूर्ति की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, इसकी कुल टोटल ऊंचाई कितनी होगी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आदि योगी मूर्ति दिखने में कुछ इस तरीके से है। ये बेसिकली एक ईशा फाउंडेशन के गुरु है, साध गुरु जग्गी वासुदेव, इसके आश्रम है कोयम्बटूर, उसके ठीक सामने कुछ ऐसी ऐसी ही फोटो है। मतलब ये बहुत फेमस है, हालांकि वो ओरिजिनल जो है ना, ये मतलब ये फोटो ओरिजिनल है, वो तो 112 फीट की है, जो कोयम्बटूर के अंदर है ना वो तो 112 फीट की है आदि योगी की। लेकिन जो अब आदि योगी शिव मूर्ति यहाँ लगने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी ऊंचाई उससे तो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब 242 फुट उसकी ऊंचाई होगी। ओरिजिनल आपको याद रखना है कहाँ पे, ओरिजिनल जो ईसा फाउंडेशन के गुरु है साध गुरु जग्गी वासुदेव, शायद कई बार आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा जग्गी वासुदेव, तो जग्गी वासुदेव का आश्रम है कोयम्बटूर, उस कोयम्बटूर में है, मतलब आप कोयम्बटूर में उनके सामने ही आश्रम के आगे है। अच्छा इसके अलावा आप इस आदि योगी जो शिव फोटो, इसको कौन बना रहा है? इसको भी ईशा फाउंडेशन ही बना रहा है अभी आपके, ठीक है ना, तो ये भी बात आपको यहाँ से याद करना है। और एक बात आपको और ही बताता हूँ मैं यहाँ पे कि कोयम्बटूर के अंदर ये फोटो तो चलो 112 वाली ठीक है आपको याद कर लेना, लेकिन नोएडा जो एयरपोर्ट है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोएडा एयरपोर्ट को बना कौन रहा है? इसको बना रहा है ज्यूरिख एयरपोर्ट, बना रहा है ज्यूरिख एयरपोर्ट। ज्यूरिख एयरपोर्ट जो है स्विट्जरलैंड का ही, और इस नोएडा एयरपोर्ट या जेवर वाले एयरपोर्ट की सालाना कैपेसिटी होगी 1.2 करोड़ लोगों को हर साल ढोने के लिए, मतलब यातायात परिवहन, 1.2 करोड़ लोग जो है ना यहाँ सालाना आ जा सकेंगे। तो नोएडा एयरपोर्ट को याद रखना, ज्यूरिख एयरपोर्ट बना रहा है स्विट्जरलैंड का जो है आपका, तो काफ़ी फेमस होगा ये भी। अभी रिसेंटली जो है ना नानगोलो मऊम्बा, ये कौन से देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, कौन से देश के? तो ये बने हैं अभी हाल ही में नाम्बिया के, कि इंटरिम प्रेसिडेंट क्या होता है, जो क्यों यहाँ पे जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना हेगे ग्रिनजोब, उनका डेथ हो गया इस करके इंटरिम बनते हैं, मतलब कार्यवाहक टाइप से समझ लीजिएगा। अफ्रीकी आपको पता होगा, देखने में आपको लग भी रहा होगा कि अफ्रीका, मतलब नाम्बिया जो है ना अफ्रीका के बिल्कुल पश्चिम में आता है, ये अंटार्कटिक सागर है, ये रहा अंटार्कटिक सागर से बिल्कुल एकदम छोर पे ही है, समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पे एक डेजर्ट का नाम बताऊँ आपको मैं, डेजर्ट का नाम है नाम्बिम, नाम जो आपके नाम्बिम डेजर्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी राजधानी नाम्बिया की क्या है, ये रही आपकी विंडॉक, ठीक है ना, ये इसकी राजधानी है। और एक बात आपको और बताता हूँ मैं यहाँ पे कि अभी एक आपका जो है ना, एक इनका एक ग्रुप है, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ तो इकोवास उसको कहते हैं, इकोवास, इकोवास नाम का एक ग्रुप है, पश्चिमी देशों का ग्रुप है ये, इसमें टोटल 15 देश शामिल है, उसमें ये देश भी आता है एक्चुअली। 1975 के अंदर ये ग्रुप बना था,
अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में चल रहा था, उसकी वजह ये थी कि उसको दो तीन देशों ने छोड़ दिया। एक देश है नाइजर, नाइजर ने छोड़ दिया, माली, माली ने उसको छोड़ दिया है, ठीक है ना। एक बुर्किना फासो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आतंक है, आतंक का गढ़ है कह सकते हो, बुर्किना फासो, उसने भी छोड़ दिया इसको। और जो इकोवास है ना, इसका हेडक्वार्टर ही बताता हूँ मैं कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है अबूजा में। ये अबूजा कहाँ पे, ये नाइजीरिया के अंदर पड़ता है अबूजा, ठीक है। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 155 स्मार्ट एम्यूशन बनाने के लिए, जो एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है मिशंस इंडिया लिमिटेड, MIL के साथ समझौता किया, तो MIL के साथ समझौता किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, मद्रास ने, IIT मद्रास ने समझौता किया। ये पहला भारत का स्वदेशी डिज़ाइन है। ये क्या होता है सर स्मार्ट एम्यूशन, ये एक्चुअली गोला होता है, गोली कह लो या गोला कह लीजिएगा, मतलब बड़ा तो गोला ही है, गोला मतलब जैसे गोली दागते ना, जैसे गोली चलाते नहीं, वैसे ही ये गोला है, गोले दागने वाला तुमने सुना होगा। और इसकी एक जो है ना, ये बेसिकली है कितना, तो ये 155 मीटर का है, ये 155 मीटर की गोली चलाने के लिए है ये। और इसको कौन सी बंदूक से चलाते हैं सर, तो इसकी बंदूक है 39 45 एक कैलिबर होता है, उससे चलाया जाता है इसको, उस कैलिबर से फायर किया जाता है इसको। और एक MIL जो है ना, MIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे बताता हूँ, MIL का हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर है, और ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 2021 के अंदर ही बनी है, कोविड के ड्यूरिंग कह सकते हो। सर ये गोला कितनी दूर तक जाके ऐसे, मतलब इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता है 8 किलोमीटर से लेके 38 किलोमीटर, मतलब इतनी लंबी रेंज सर नहीं, इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 38, 38 का है तो 38 ही है और 8 तो कहा है, तो मतलब 8 से 38 के बीच में इसको सेट कर सकते हो आप लोग। इसकी एक्यूरेसी कितनी है सर, जैसे मान लेते हैं कि आपने कहा कि सर ये टारगेट है, यहाँ से दाग रहे हो, तो क्या एग्जैक्ट यही लगेगा। देखो पहले इसकी एक्यूरेसी जो है ना बहुत ख़राब थी कह सकते हो आप, अब के मुकाबले पहले इसकी एक्यूरेसी थी 500 मीटर की थी, 500 मीटर की, मतलब आपको यहाँ दागना, तो इसके 500 मीटर में कहीं पे भी जाके गोला दागा जा सकता था। लेकिन अब इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी कर दी, अब केवल 10 मीटर की एक्यूरेसी कर दी इसकी, 10 मीटर की, मतलब आपका ये पॉइंट है, इसके 10 मीटर के आजू बाजू में जाके कहीं पे ये उसी 10 मीटर के रेडियस या डायमीटर कह लो आप लोग, उस एरिया में ही ये जाके ये फायर हो जाएगा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा है ये सवाल याद रखना। अच्छा एक बात और याद आ रही है मुझे, एक ना बंदूकों से रिलेटेड याद आ रही है, भारत ना थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिका से 70,000 बंदूक खरीदने वाला है, अमेरिका से 70,000 बंदूक खरीदेगा। और ये जो बंदूक है ना बेसिकली ये होगी SIG गन बोलते हैं इनको, ठीक है ना, इनको कहा करते हैं सेवर असॉल्ट राइफल्स के नाम से जाना करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इंडिया में कौन बंदूक क्या यूज़ किया जा रहा है, अब ना कारगिल युद्ध में भी यूज़ की गई थी या करंट में भी बंदूक यूज़ कर रही है, इंसास यूज़ की जा रही है फिलहाल के लिए, लेकिन अब उसको जो है ना SIG से रिप्लेस किया जाएगा, इस बात को याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी एक बंदूक फेमस भी इंडिया में पता कौन सी है, AK-203, ये बंदूक इंडिया में बहुत फेमस है, भारत रूस के साथ मिलकर बना रहा है। और ये अभी बताऊँ कहाँ बनती है, ये बनती है अमेठी के अंदर बनती है, अमेठी में भी एक जगह है कोरवा, कोरवा के अंदर बनती है एक्चुअली एग्जैक्ट, तो ये ठीक है। चलिए सर, अच्छा एक बंदूक और याद आ रही है मुझे, एक ना आप याद रखना उग्रम, ठीक है ना, बंदूक कह लो इसको या आप लोग राइफल कहोगे एग्जैक्ट तो ठीक रहेगा, उग्रम, इसको DRDO ने बनाया था। ये बहुत ही हल्की है, 4 किलो से भी इसका कम वजन है लगभग ये, और इसकी जो रेंज है ना वो है 500 मीटर की इसकी रेंज है, ठीक है ना, 500 मीटर की, और इसमें 30 गोलियां आती है एक के अंदर, तो ये भी एक फेमस है, ये भी याद कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका कौन सा आता है, अगला है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने मियो ओका को कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया नियुक्त किया है, तो मियो ओका को कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया नियुक्त किया है अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक रहेगा, ADB ने अपॉइंट किया है इनको। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अभी जो है ना किससे, निम्नलिखित में से किस शहर में इसको आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया अभी हाल ही में दुबई के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, दुबई के अंदर इसको आयोजित किया गया। इसमें 3 देश थे शामिल मेन, तो एक तो इसके अंदर था इंडिया था, ठीक है, इंडिया के अलावा इसके अंदर था टर्की था, और इसके अलावा कतर भी इसके अंदर शामिल था, तीनों देश इसके अंदर शामिल थे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था, आपको याद होगा मोदी जी का ये 7वां विजिट था, 2014 में पहली बार गए थे, तब से लेके 7वां विजिट था ये। और अभी थोड़े दिन पहले वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी UAE के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन, वो मतलब इसके अंदर जो है ना एक अतिथि के रूप में भी थे, तो ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। एक ना UAE के अंदर हिंदू मंदिर भी बना है अबू धाबी के अंदर, आपको याद हो तो, ठीक है ना, स्वामीनारायण मंदिर है एक्चुअली वो।
एक जो है ना, ये प्रमुख स्वामी जी है, प्रमुख स्वामी जी उस संगठन के द्वारा इसको बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने निम्नलिखित में से किस शहर के सलारजंग संग्रहालय में भारत के पहले राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है? ये रखी है हैदराबाद में। पुरालेख होता है पत्थरों के ऊपर या तांबे के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है ना, उसको पुरालेख कहा करते हैं, हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय के अंदर, ठीक है ना। जी किशन रेड्डी ने इसकी आधारशिला रखी है और इसमें 5 नई गैलरी वगैरह भी बनी है और ये इसको काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा जो ऐसे कुछ एपिग्राफी वगैरह है उसको यहाँ पे रखा जाएगा इस म्यूजियम में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दूसरे वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये अभी रिसेंटली आयोजित किया गया था रियाद सऊदी अरब में। इसका थीम था इक्विप फॉर टुमोरो, इस बार का इसका थीम था आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री जो सर्वाइवल प्रशिक्षण, मतलब समुद्र में लंबे टाइम तक रह के ट्रेनिंग कर सके, इस संस्थान का उद्घाटन किया है? गोवा के अंदर किया है, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कि हाल ही में आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल क्रीड़ा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर स्पोर्ट्स, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये पणजी के अंदर, गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। एक राष्ट्रपति चुने गए हैं नाइब बुकले, ये कहाँ के चुने गए हैं? ये अल सलवाडोर के चुने गए हैं। अल सलवाडोर में बहुत क्राइम होता था, इन्होंने बड़ी बड़ी जेलें बनवाई और सबको जेल में बंद कर दिया, इस करके अब ये फिर से चुने गए हैं। FIH हॉकी वर्ल्ड कप है, इसको अभी नीदरलैंड ने जीता है, महिला हो या पुरुष हो दोनों में ही, ठीक है ना। नॉर्मली 11 खिलाड़ी होते हैं पर इस चैंपियनशिप में जो है ना 5 खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी बात आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली सुपर अर्थ TY 715 की खोज की है, तो ये किसने की है? ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने एक नई पृथ्वी इसकी खोज की है, कह सकते हो आप लोग, एक सुपर अर्थ की खोज की है इनके द्वारा, और इनका ये मानना है कि ये धरती से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। फेयर प्राइस शॉप जो है ना, ये ONDC का नेटवर्क शामिल हुई है ऊना और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर। और प्राचीन सुबिका पेंटिंग, ये भी रिसेंटली किस चर्चा में थी और कौन से समुदाय से रिलेटेड है? विलुप्त हो चुकी है लगभग, ये मैती समुदाय से संबंधित है, ये बहुत विलुप्त हो ही रही है, मान लो मणिपुर का है ये मैती, थोड़े दिनों पहले ही खूब चर्चा में भी आया था ये आपका, ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने अब तक सबसे बड़े स्थानीय समुद्र मुद्रा ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 12.5 बिलियन रुपए, लगभग 150 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। ये किस देश के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? तो ये लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है ना लिस्टेड है। चलिए आज का वीडियो इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे। और स्टार IQ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर देना।